हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 4 के MIUI 12 MIUI NSE के 2.5 एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो है न्यू अपडेट ये आ गया है और इसमें जो है काफ़ी सारी चेंजेस हुई हैं और पहले के मुकाबले जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे हो चुका है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या कुछ जो है चेंजेस हमें देखने को मिलता है प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ पे बग आपको जो है ब्लूटूथ मीडिया NFM का तो मिल ही जाता है, और आगे क्या कुछ और भी बग देखने को मिलता है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, और फीचर्स कौन कौन से यहाँ पे न्यू ऐड किए गए हैं सारी चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आप नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अबाउट फ़ोन की, तो यहाँ पे चलते हैं हम ऑल स्पेक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है हमारा एंड्रॉइड 10 देखने को हमें मिल जाता है, और सिक्योरिटी पैच जो है 1 सितंबर 2020 की मिलती है, और प्रीवियस बिल्ड में हमें अगस्त की सिक्योरिटी पैच देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे ये अपडेट देखने को मिलता है। बाकी MIUI वर्जन जो MIUI 12 2.5 यहाँ पे MIUI NSE देखने को मिल जाता है। बाकी कर्नल जो है 3L का 30.0 देखने को मिलता है, और प्रीवियस बिल्ड में हमें 29.0 देखने को मिलता था। तो यहाँ पे अपडेट है कर्नल भी। बाकी टॉगल्स की बात करें, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर आपका काफ़ी स्मूथ है। बाकी इसके जो टेक्स्ट ब्लैक है आप चेंज कर पाओगे इसको। बाकी यहाँ पे सोमी पार्ट्स के भी ऑप्शन ऐड थे प्रीवियस बिल्ड में, जो कि यहाँ पे रिमूव कर दिए गए इस अपडेट में। बाकी टॉर्च हमारी अभी भी येलो ही है, और न्यू जो कि हॉरिजॉन्टल आपको मिल जाता है न्यू लेटेस्ट कंट्रोल सेंटर। बाकी वॉल्यूम पैनल हो गया, पावर मेन्यू सेम है, बस पावर मेन्यू में आपका जो पहले सामने देखने को मिलता था रिकवरी एंड बूट लोडर, वो अभी रिस्टार्ट बटन पर आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रीसेंट की, तो रीसेंट के अंदर आपका फिलहाल कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। रैम मैनेजमेंट भी जो है हमारा यहाँ पे प्रीवियस बिल्ड जैसा ही है। कॉलिंग की बात करते हैं, यहाँ पे UI आपको ब्लैक देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप सिंपली सेटिंग में जाना, इसके एडवांस सेटिंग में जाना, और यहाँ पे जो है आपको ब्लैक बिल्कुल देखने को मिलने वाली सारी सेटिंग्स। लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी यहाँ पे, जबकि प्रीवियस बिल्ड में इंग्लिश में था। तो यहाँ पे सबको आपको कर देना है वाइट पे। तीन सभी को वाइट करने के बाद जब आप कॉल करोगे तो यहाँ पे जो है ये आपकी UI बिल्कुल ऐसे तरीके से आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ पे वोल्टी हमारा काम कर रहा है, वीडियो कॉलिंग काम नहीं करता यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से आप यहाँ पे कर पाओगे। बाकी अगर हम बात करते हैं गैलरी की, तो गैलरी भी यहाँ पे अपडेट कर दी गई है इस अपडेट में। तो जैसे कि हमें फ़िल्टर लेटेस्ट सारे के सारे देखने को मिल जाते हैं, और स्काई देखने को नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ स्काई यहाँ पे ऐड किया गया, और ऐड किया गया है बिल्कुल लेटेस्ट फीचर के साथ, तो सारे फीचर लेटेस्ट आपको मिल जाते हैं। एंड प्ले स्टोर हमारा सर्टिफाइड ही देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कैमरे जो कि MIUI का मिलता है, तो यहाँ पे वाटरमार्क जो है काम नहीं करता, इसका पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करता, वाटरमार्क भी यहाँ पे काम नहीं करता, जैसे कि फिक्स में बताया गया कि काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे वीडियो क्वालिटी 1080 30 FPS मिलती है, और साथ साथ प्रीवियस बिल्ड में हमें यहाँ पे स्लो मोशन का भी क्वालिटी मिलता था, जो कि इस बिल्ड में रिमूव कर दिया गया यहाँ पे, तो हमें देखने को नहीं मिलता। वाटरमार्क आपका ऑन होने के बाद भी जो है ये काम नहीं कर रहा, मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ इसको। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जीकेम की, तो जीकेम 7.4 आप यूज़ कर सकते हो इसमें, बिल्कुल ऐसे तरीके से जो है काम कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें फिलहाल हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, तो ये जो है हमारा बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है। और बात करते हैं टूल्स के अंदर, तो यहाँ पे FM में आपको बग देखने को मिलने वाला है इस अपडेट में, जो कि प्रीवियस बिल्ड में हमारा ये बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करता था। तो फिलहाल अभी आपको इसके नोटिफिकेशन पर टैप करना और सिंपली फोर्स स्टॉप कर देना, ताकि इसका नोटिफिकेशन जो है डिसेबल हो जाए। बाकी यहाँ पे हमारा जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में 2 Mbps तक का ही मिलता था पहले, लेकिन अभी आपको क्वालिटी 40 Mbps का मिल जाता है, और 60 जो साउंड है आपका रिकॉर्ड हो रहा है इंटरनल साउंड, और फ्रेम रेट आपको 60 FPS तक का देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं हेल्थ एप्लीकेशन को, तो हेल्थ एप्लीकेशन आपका लेटेस्ट ही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे प्री इंस्टॉल आपको मैजिक मैनेजर मिल जाता है, तो रूटेड रोम है यहाँ पे, और सेफ्टी नेट भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेफ्टी नेट हमें यहाँ पे मिल जाता है इसमें। और बैंकिंग ऐप की बात करें, तो बैंकिंग ऐप आपका कुछ बैंकिंग ऐप काम करते हैं, कुछ नहीं काम करते, तो मैसेज मैनेजर आपको मिल जाता है, जिससे आप हाइड एंड रीनेम करके जो है यहाँ पे बैंकिंग ऐप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे हमारा जो ऐप बोल्ट है चाइनीज़ में ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐप ओपनिंग की स्पीड की अगर हम बात करें, तो प्रीवियस बिल्ड से आपको बेटर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ये जो है काफ़ी अच्छा है। बाकी हार्डवेयर बटन लाइट अभी हमारा जो है फिक्स नहीं हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग में, तो ब्लूटूथ के अंदर तो
एडिशनल सेटिंग में आपको ऐप जो कि ऐप स्टैंडिंग ऑन ब्लूटूथ का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे कास्ट की बात करें तो कास्ट प्रीवियस बिल्ड में हमारा काम करता था, लेकिन यहाँ पे इस बिल्ड में मैं 2 से 3 बार ट्राई किया लेकिन ये जो है रिस्टार्ट हो जा रहा, डिवाइस ही रिस्टार्ट हो जा रहा था। फिलहाल ये जो है मेरा कनेक्ट नहीं हो, लेकिन आप लोगों में से किसी का वर्किंग हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी यहाँ पे जो है डबल टैप हमारा ऐड कर दिया गया यहाँ पे, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग भी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो पहले हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन ये जो है यहाँ पे ऐड कर दिया गया। बाकी वॉल पेपर, कर्सरली, लॉक स्क्रीन, क्लॉक फॉर्मेट, ये सारी मेरे देखने को मिलता था। और यहाँ पे मैनुअल टाइम एडजस्टमेंट जो है इस अपडेट में ऐड किया गया है। सेक जेस्चर के अंदर यहाँ पे एक क्लीन रैम मिल जाता है, लॉक स्क्रीन मिल जाता है, और डिफ़ॉल्ट आपको एक ही स्क्रीन जो कि चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलने वाला साइड में आप देख सकते हैं। एंड डिस्प्ले के अंदर चलते हैं तो रीडिंग मोड हमारा काम कर रहा है, और कलर की अगर हम बात करें तो कलर जो है यहाँ पे फिलहाल हमारा काम नहीं कर रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो कोई भी चेंजेस आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलता था, कलर जो है हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा। बाकी डार्क मोड जो है यहाँ पे आपको मिल जाता जो कि वर्किंग है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ग्लोबल डार्क इनेबल करने के बाद आपको नीचे इंडिविजुअल ऐप भी देखने को मिल जाता है, एंड फॉन्ट कलर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हमारा जो है कंट्रोल सेंटर, स्टेटस बार जो कि देखने को मिलता है यहाँ पे, स्मार्ट होम मिल जाता है। बस यहाँ पे लैंग्वेज जो है चेंज हो चुका है, जो कि टाइल एनिमेशन पहले मिलता था। ये तो प्रीवियस बिल्ड का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप समझ जाओगे उसको देख के। यहाँ पे फिलहाल आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता, प्रीवियस बिल्ड वाला ही है, बस लैंग्वेज यहाँ पे चेंज है। तो उस पर आप देख लोगे, उस पर बिल्कुल समझा रखा हूँ। बाकी यहाँ पे ये जो दिया गया हमारा, ये हमारे स्टेटस बार के जो टोगल हैं इनका जो टैक्स आप देख सकते हो, तो इसका फॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए दिया गया, तो कलर जैसे कि मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ तभी आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हो ये जो है वाइट हो गया, और साथ साथ फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हो। यही सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल कंप्लीट आपको समझा रखा उसमें, और यहाँ पे जो है लैंग्वेज चेंज है फिलहाल, उसमें आपको इंग्लिश में बिल्कुल देखने को मिल जाता है, तो आप उसको देखना तो समझ जाओगे। बाकी यहाँ पे डार्क मोड के लिए दिया गया है आपके स्टेटस बार के लिए, कि डार्क जब आपका स्टेटस बार रहे तो वहाँ पे वाइट देखने को मिले और वाइट पे आपका डार्क देखने को मिले। एंड यहाँ पे ये जो आपके नोटिफिकेशन आते हैं उसमें जो टैग टाइल की टाइटल्स जो होता है उसका नाम ब्लैक में, सब यहाँ पे जो है सिंपली ब्लैक में आपको देखने को मिल रहा है अभी, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए है, बाकी ये अब नोटिफिकेशन के बैकग्राउंड के लिए। और ये वाला ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे, ये आपके नोटिफिकेशन के राउंडेड जो है यहाँ पे आप कितना राउंडेड करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हो। और नीचे अगर हम देखते हैं यहाँ पे बैक करने के बाद, तो यह एनिमेशन जो कि स्क्रीन ऑफ के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमारा जो है पॉपअप एनिमेशन का जो है स्टाइल, तो ये पॉपअप एनिमेशन जैसे कि यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके की जो पॉपअप एनिमेशन होता है उसका जो है आप एनिमेशन चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हो। एंड बात करते हैं यहाँ पे साउंड की, तो साउंड के अंदर आपका जो है यहाँ पे अभी फिलहाल साउंड इफेक्ट के अंदर हमारा MI साउंड एनहेंसर अभी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे इस अपडेट में, तो फिलहाल ये जो है काम नहीं कर रहा अभी भी यहाँ पे। एंड नोटिफिकेशन में तो सेम होता है, होम स्क्रीन में भी आपका जो है यहाँ पे दिया गया है, ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे इंग्लिश में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूँ, जो आपके होम स्क्रीन में आइकन देखने को मिलते हैं उसके जो टेक्स्ट है उसका कलर एंड स्टाइल जो है थोड़ा बहुत चेंज कर पाओगे। बाकी यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया जो कि आपके रिसेंट पे देखने को मिलता है, ये इसका एनिमेशन आप चेंज कर पाओगे, और अपने हिसाब से वॉलपेपर भी जो है ऐड कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, एंड इसका जो एनिमेशन है आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। और नीचे आपको जो टेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो भी आप जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शन भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है जो कि वर्किंग है। बाकी स्टैंडर्ड ऑप्शन के अंदर सेम ही है। वॉलपेपर की बात करें तो यहाँ पे वॉलपेपर भी ऐड किया गया, लेटेस्ट वाला वॉलपेपर जो कि यहाँ पे ऐड कर दिया गया, पहले 2 देखने को मिलते थे लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट वाला भी ऐड कर दिया गया। लेकिन आप कोई सा भी वॉलपेपर यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपका जो है लैगिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और फ़ोन भी यूज़ करने लायक नहीं रहता है। आप देख सकते हो इतना ज़्यादा लैग आपको देखने को मिलेगा कि फ़ोन ही आप यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे स्लाइड देख रहे हो, टच रिस्पॉन्स का बिल्कुल हालत ख़राब है, तो आप जो है यहाँ पे इसको यूज़ ना करो तो बेटर है। लेकिन फिर भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने हिसाब में, तो आप जो है अगर यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे थीम्स की बात करें, थीम जो है चाइनीज़ में अभी फिलहाल जो कि हमारा थीम स्टोर है यहाँ पे चाइनीज़ में अभी देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है फिक्स हो चुकी है सिक्योरिटी के अंदर, तो हमारा जो गुडिक्स में प्रॉब्लम होता था पहले फिंगरप्रिंट का, वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो गुडिक्स यूज़र के लिए जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी खबर है कि ये जो है फिक्स हो चुका है एंड्रॉइड 10 के पोर्ट रोम में। और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है, और काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स भी मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि जो है तुरंत लॉक करते टैप करोगे तो भी ये अनलॉक हो रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, और फेस अनलॉक हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है। बाकी यहाँ पे आफ्टर अनलॉक रिबूट ये ऑप्शन दिया गया फिंगरप्रिंट के लिए, बाकी वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि ऑलरेडी हमें देखने को मिलते थे। एंड बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन हमें मिल जाते हैं बैटरी में, और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, तो बैटरी बैकअप जो है थोड़ी बहुत आपको पहले से इंप्रूव हुई है। बाकी यहाँ पे पावर सेटिंग भी मिल जाता है जिसमें आपको परफॉर्मेंस एंड बैलेंस देखने को मिल जाता है जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था।
ऐप्स के अंदर अगर हम बात करें तो ऐप्स के अंदर डुअल ऐप हमारा वर्किंग है बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड एडिशनल सेटिंग्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज में आपको दिखा दूँ तो लैंग्वेज जो है यहाँ पे अभी फिलहाल आपको यही सब देखने को मिलने वाली है, जो कि पहले इंडोनेशियन लैंग्वेज भी देखने को मिलती थी तो वो सब अब फिलहाल अभी रिमूव की गई है, तो यहाँ पे आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज देखने को नहीं मिलती है। और बात करते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले की, तो ये हमारा बिल्कुल ऐसे तरीके से काम कर रहा है, तो इसमें फिलहाल आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। इसकी बटन्स हो गया या फिर नेविगेशन हो गया, आप दोनों का ही बिल्कुल ऐसे तरीके से यूज़ कर पाओगे जेस्चर एंड बटन्स को, तो इनमें आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये काम कर रहा है। एंड बैक करते हैं और बटन शॉर्टकट अभी पहले वाला है, नोटिफिकेशन लाइट वर्किंग है एंड यहाँ पे और बाकी ऑप्शन जो है आपके सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है। और बात करते हैं यहाँ पे स्क्रीन टाइम की, तो स्क्रीन टाइम एंड फोकस मोड हमें यहाँ पे मिल जाता है। और बैक करते हैं और यहाँ पे चलते हैं इस पे स्पेशल फीचर्स के अंदर, तो गेम टर्बो जो है हमारा यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है नॉर्मल वाला, पहले एडिशनल सेटिंग मिल जाती थी एंड यहाँ पे बैक करने के बाद जो है सारी चीज़ें सेम ही मिलती है। और बैक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो है अकाउंट सेटिंग्स मिल जाता है। एंड बात करते हैं टूटू मंजमा स्कोर की, तो 99,901 देखने को मिलता है, जो कि प्रीवियस बिल्ड से आपको इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, तो पबजी तो बैन इंडिया में, लेकिन यहाँ पे सीओडी मैं ओपन कर रहा हूँ तो इस तरीके से बिल्कुल वाइड देखने को मिल रहा है, तो इसको मैं फिक्स करने की ट्राई करूँगा, लेकिन फिलहाल ये जो है हमारा काफ़ी ट्राई करने के बाद भी ओपन नहीं होता, कुछ काम भी नहीं करता, तो इसलिए मैं दूसरा गेम यहाँ पे सेम ग्राफिक के टाइप का जो है गेम यहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ, प्ले किया हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इसमें जो है हल्का सा मुझे लैगिंग देखने को मिल रहा है, जैसे कि फ्रेम देखोगे तो फ्रेम जो है आपका ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे FPS इन्फो तो हमें देखने को यहाँ पे इसमें नहीं मिलता, जो कि प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलता था, इसमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप खेलोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा लैगिंग भी देखने को मिलती है यहाँ पे। ये जो है यही सारी चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पे मिल जाती है। और कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा अगर कुछ मिलता है यहाँ पे तो कमेंट में ज़रूर बता दें अगर आप यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि पहले से यहाँ पे जो रोम है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हमें मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो N22 में जहाँ स्कोर भी प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले अच्छे है और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे फिक्स हो चुकी हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल धीरे धीरे परफेक्ट रोम जो है ये भी मिल जाएगी, अभी आप बस आपको कुछ अपडेट और आपको वेट करना है। अभी फिलहाल अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, बाकी जो आपका बैंकिंग ऐप ये सारी चीज़ें जो आप रूट में आपका रोम है तो फिक्स कर पाओगे आप। और इंस्टॉलेशन अगर आपको इसकी देखना है तो प्रीवियस बिल्ड में ही मैं इंस्टॉलेशन बताया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें इंस्टॉलेशन देख लेना, बिल्कुल सेम इंस्टॉलेशन है, कोई अलग मेथड यहाँ पे नहीं है। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रीवियस बिल्ड भी आप चेक कर लेना क्या कुछ है उसमें, क्योंकि इंग्लिश में देखने को हमें मिलता था ये सारी कस्टमाइजेशन जो है। तो यही सारी चीज़ थी यहाँ पे इस अपडेट में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाओ। साथ साथ हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जरूर ज्वाइन हो लें, ताकि सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।